नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त से वेंटिलेटर पर हैं। हालांकि शनिवार को उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की तरफ से शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि उनके किडनी इन्फेक्शन में थोड़ा सुधार हुआ है। वो गहरे कोमा में हैं और अब भी वेंटिलेटर पर हैं। प्रणब मुखर्जी होमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं। अस्पताल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रणब मुखर्जी की गहन देखभाल की जा रही है और उनके फेफड़ों में संक्रमण का इलाज भी जारी है, लेकिन वो अभी भी डीप कोमा में हैं और वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के मुताबिक प्रणब मुखर्जी होमोडायनामिकली स्थिर हैं। इसका मतलब ये कि उनके ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट और पल्स रेट स्थिर और सामान्य है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को इमरजेंसी में उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, उसी के बाद से ही वो वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें 10 अगस्त को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सर्जरी के बाद ब्रेन में क्लॉट निकाला गया था। सर्जरी के बाद से ही प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के वक्त वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। इसके बाद उन्हें लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। इससे पहले शुक्रवार को मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि प्रणब मुखर्जी डीप कोमा में हैं और वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। फेफड़ों के संक्रमण और गुर्दे की समस्या के लिए उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक पद पर रहे। वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।